फिर रे मारे थोड़ा पिटते यानी टट्टियों का पानी पीते फिर रही है कहाँ। सारी जो नफरतें हैं, सारा जो झगड़ा है वो गौ माता के ऊपर है, और गौ माता गंदा पानी पी रही है खेतों में, पड़ती फिर रही, पिटती फिर रही, लेटिन का पानी पीती फिर रही, कह रही हम इनकी सेवा कर रही, कहा का बस हम उन्हें वोट दे दी और गन देने के हम। अरे इस तरह पे कर रहे किसके अत्याचार से तुम खिलाफ हैं, हम तो तंग करा के सरकार ने, कई मुद्दे ऐसे हैं किसान के विरुद्ध कर रही है सरकार, उसी के मुद्दे पर किसान लड़ रहा है और लड़ते ही रहेंगे, इतने हमारी भरपाई नहीं होने की हम लड़ते ही रहेंगे। तो क्या आप क्या मुद्दे हैं किसानों के? किसानों के मुद्दे एक तो मतलब हमारे फसल का जी दाम नहीं है, एक ये अवारा पशु हम खाते फिर रही है, ये इसे इस पर निगाह नहीं, इसका क्या होगा, गांवों की हत्या करवा दी नुके हम कर रहे पालन। योगी जी तो कहते हैं कि हमने गौशाला बना रखी है सारी गांव को गौशाला में, गौशाला कहीं नहीं, हम जो अगर वोट भेजे कोई भी ना थामदा ना ले रहा, यहीं फिर रहे हमारे थोड़ा पिछते यानी टट्टियों का पानी पीते फिर रही है गाँव। सारी जो नफरतें हैं, सारा जो झगड़ा है वो गौ माता के ऊपर है, और गौ माता गंदा पानी पी रही है खेतों में, पड़ती फिर रही, पिटती फिर रही, लेटिन का पानी पीती फिर, कह रहे हम इनकी सेवा कर रहे, इनकी तो कम कीमत खत्म कर दी, हमें इसका बहुत ऐतराज है, हम नाराज हैं सरकार से और खिलाफ रहेंगे। अच्छा, मतलब कि सिर्फ गौ माता सियासत के लिए, राजनीति के लिए, वोट लेने के लिए आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, वोट की तो हमें मुद्दे हैं, ये मुद्दे तो और भी बहुत ही हैं किसानों के लिए इस सरकार, मतलब मेरा कहने का ये है कि गौ माता के नाम पे राजनीतिक दल वोट तो लेते हैं लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करते, खुला छोड़ रहे हैं। हाँ, खुला छोड़ रहे हैं, उसकी इंतजाम नहीं कर रहे, कहीं भी नहीं इंतजाम कर। अच्छा दादा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर कृषि कानून जो 3 कृषि बिल हैं वो वापस नहीं होते हैं तब आप क्या कीजिएगा? संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दादा, बात ये हुई थी कि हमारी सरकार आती, हमारी से मतलब भाजपा की है, अगर जो बड़े बड़े भाजपा के नेता 2014 से पहले चुनावी वादे कर रहे थे कि हमारी सरकार आती है तो किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, पेट्रोल 50-60 रुपए लीटर बिकेगा, बिजली का बिल कम होगा, जो युवा हैं हमारे नौजवान हैं उनको 2 करोड़ रोज़गार मिलेगा हर साल, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, आपके कितने रुपए आए अकाउंट? कोई भी नहीं आया, मेरा तो एक भी नहीं आया अजी, 2000 मेरे में भी नहीं आए, आपके क्यों नहीं आए? मैं भी नहीं आए, आए नहीं। अच्छा, किसानों वाला जो 2000? हाँ, यानी मेरे तो में भी नहीं आए, पर आ रहे कुछ के आवे तो आप क्या क्यों आते, आप तो टिकैत साहब के साथ में, और बस नहीं मान लो, मैं विरोधी मान लिया, विरोधी मान के नहीं आ रहे होंगे, मतलब मोदी जी को पता लग गया कि आप उनके विरोधी हैं। विरोधी, हाँ जी विरोधी हैं। आने वाले चुनाव में फिर आप अब विरोध तो नहीं करेंगे? जी विरोध तो उन्हीं ने करेंगे, तेल बढ़ा दिया, खाद बढ़ा दिया, कृषि का खर्च तो बढ़ गया, उस पर कीमत बढ़ी नहीं, वो किस तरह से ये कृषि का खर्च बढ़ा और कमाई घट गई है, जरा ये थोड़ा सा समझा दीजिए मुझे। खाद बढ़िया, उस पर जो इस्तेमाल हो दवाई वा बढ़ी, बिजली के बिल बढ़े, तेल बढ़िया, जो हम जुताई करें सब खर्चा बढ़ गया, वो और भाव बढ़िया नहीं तो घाटा तो हो ही गया। 3 वर्ष उस हिसाब से हमारी फसल का भाव भी बढ़ना कर लेता है, कल की बोरी 2500 की, ये सारी चीज बढ़ रही है लेकिन हमारी फसल का दाम नहीं बढ़ रहा है आपके पास आएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे किसानों के साथ, क्या वो वादे पूरे हुए? नहीं, कोई पूरे नहीं, किसानों का कोई वादा पूरा नहीं है, कोई पूरा नहीं है, सब भकावे करके और भकाया के बस हम उन्हें वोट दे दी और गन देने के हम।